बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क की टाइप्स, इसके अंदर हमने लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, पैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क की डिटेल्स को देखा था। आज के लेक्चर में हम नेटवर्क ऑफ कॉम्पोनेंट्स यानी एक नेटवर्क को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो देखेंगे। के अंदर कम्युनिकेशन मीडिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और शेयर डिवाइसेस की डिटेल्स को देखेंगे। तो दोस्तों, तमाम नेटवर्क्स को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जिनके जरिए उस नेटवर्क को बनाया जाता है। इनमें सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन मीडिया। किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए तीन बेसिक कॉम्पोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड, क्योंकि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है। रिसीवर, जो कि डेटा को रिसीव कर रहा होता है, ले रहा होता है। और मीडियम यानी ऐसा तरीके का जिसके जरिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, इसीलिए इसको ट्रांसमिशन मीडियम या फिर कम्युनिकेशन मीडियम या फिर कनेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। ये रास्ता फराहम करता है सेंडर और रिसीवर के मैसेजेस को ताकि वो उस रास्ते पर ट्रैवल कर सके। तमाम मैसेजेस को पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन्हें सिग्नल्स में इनकोड किया जाता है और फिर उन सिग्नल्स को मीडियम पर डाला जाता है। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए दो तरह के मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है, वाइड मीडियम और वायरलेस मीडियम। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। वाइड मीडियम, दोस्तों वाइड मीडिया जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा मीडियम होता है जो कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल और टेंजिबल मीडिया यानी केबल्स और वायर्स का इस्तेमाल करता है, यानी इनको हम छू सकते हैं, ये कोई मादी वजूद रखते हैं। दोस्तों इसको गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लाहौर से कराची आ रहे हैं तो जो रास्ता है वो गाइडेड है, यानी आप सिर्फ उसी रास्ते पर चलकर आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसके अंदर केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जहां जहां से केबल्स गुजरेंगी आपका डाटा सिर्फ उसी जगह से आ सकता है, यानी जो केबल का रास्ता होगा वही रास्ता तय करके आपका डाटा ट्रेवल करेगा। दोस्तों इसीलिए इसको बाउंडेड मीडियम भी कहा जाता है, क्योंकि डाटा आपकी केबल्स पर वायर्स पर डिपेंडेंट होता है, उन पर बाउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंप्यूटर वन प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है और कंप्यूटर वन और प्रिंटर के दरमियान कोई केबल मौजूद नहीं है, कंप्यूटर वन प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये केबल पर डिपेंडेंट है। तो जहां जहां केबल जाएगी कंप्यूटर भी सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है। वाइड नेटवर्क में तीन तरह की केबल्स को इस्तेमाल किया जाता है, एक पेयर कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक केबल। के बाद है वायरलेस मीडियम। दोस्तों वायरलेस मीडियम के अंदर वायरलेस ट्रांसमिशन होती है, मींस जो डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो वायर्स और केबल्स के बिना ट्रांसमिट हो रहा होता है, केवल केबल्स के बगैर हो रहा होता है, इसीलिए इसको अनगाइडेड मीडियम भी कहा जाता है और अनबाउंडेड मीडियम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पर आप राउटर्स के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मींस आप किसी भी वक्त अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आमतौर पर आप घरों में मोबाइल फोन्स में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी वक्त उस वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जिसको चाहें अपने उस नेटवर्क से कनेक्ट करवा सकते हैं, कि इसमें केबल्स नहीं होती, इसकी वजह से आप बाउंड नहीं होते कि पहले केबल लगाओ फिर नेटवर्क बनाओ, तो इसीलिए इसको अनबाउंडेड मीडियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो डाटा ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, कि अब केबल्स तो है नहीं, तो डाटा वेव्स की शक्ल में वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और वो वेव्स होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, ने कराची से लाहौर एक नेटवर्क बनाया है, तो अगर हम उसमें केबल्स यूज करेंगे तो इतनी बड़ी तादाद में केबल्स को लगाना मुश्किल होगा और कॉस्टली भी होगा, इसीलिए वायरलेस नेटवर्क को सेटअप करना आसान होता है, लेकिन ये
फिजिकल मीडिया की निस्बत हल्की स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ये आमतौर पर तब भी इस्तेमाल होते हैं जब डिवाइसेस फिक्स नहीं होती, यानी पोर्टेबल होती हैं, जैसे कि आप आमतौर पर मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल यूज करने के लिए आप किसी एक फिक्स जगह पर नहीं बैठते, क्योंकि अलग अलग जगह पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आमतौर पर उन्हीं डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है जो कि फिक्स नहीं होती। वायरलेस मीडिया में तीन तरह की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। दोस्तों के बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों ये हमने कनेक्शन तो बना लिया वायर या फिर वायरलेस, लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर स्टैंड अलोन है, यानी उसमें सलाहियत ही नहीं है नेटवर्क से जुड़ने की, तो फिर कनेक्शन बनाना बेकार है। तो ऐसे में इस्तेमाल किए जाते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको NIC भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि लैंड कार्ड, ईथरनेट कार्ड और नेटवर्क अडेप्टर भी कहा जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसके जरिए किसी भी सिस्टम को नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके सिस्टम में पहले से मौजूद होता है। आमतौर पर ये तीन तरह के होते हैं, वाइड लैन कार्ड। ये लैन कार्ड जब इस्तेमाल होता है जब वाइड नेटवर्क, यानी जब आप केबल्स के जरिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो आप सबसे पहले उस केबल को, यानी जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहते हैं, यानी जिस कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इस पोर्ट के अंदर उस केबल को आप लगाएंगे, तभी आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप कितनी ही केबल्स लगा लें, जब तक ये लैन कार्ड आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होगा, आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। के बाद है वायरलेस लैन कार्ड। ये ऐसा लैन कार्ड होता है जो कि वायरलेस सिग्नल्स, जैसे कि वाईफाई वगैरह के सिग्नल्स को कैच करता है और आपके सिस्टम को उन सिग्नल से कनेक्ट करवाता है। के अलावा एक और लैन कार्ड है जिसका नाम है ब्लूटूथ लैन कार्ड, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मौजूद नेटवर्क को आपके सिस्टम से जोड़ता है। आमतौर पर अब जो लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स या फिर कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनमें ये तीनों लैन कार्ड्स इनबिल्ट होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं। और अगर कोई कार्ड खराब हो जाता है तो आप एक्सटर्नल कार्ड भी खरीद सकते हैं और अपने सिस्टम्स में लगा सकते हैं। के बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपने अपने सिस्टम में तमाम कनेक्शंस कर लिए वायर और वायरलेस, एक हार्डवेयर यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी लगा लिया, लेकिन अगर आपके सिस्टम में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो नेटवर्क को और उसकी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता हो, तो फिर कनेक्शंस और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का भी कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर के कंप्यूटर पर रन होता है। अब सर्वर क्या है? ये एक प्रोग्राम है, और अगर एक कंप्यूटर पर सिर्फ सर्वर का प्रोग्राम रन हो रहा है तो ऐसे कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों सर्वर कंप्यूटर में तमाम डाटा मौजूद होता है। जब आप किसी ब्राउजर के जरिए कोई भी साइट खोलते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, तो वो तमाम डाटा सर्वर से लेकर आपको दिखाया जाता है। और उसको दिखाता कौन है? आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस होता है कि जो डाटा सर्वर पर मौजूद है उसे मल्टीपल कंप्यूटर्स को शेयर करवाना, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी को भी मैनेज करना, कि बहुत से लोग एक वक्त में डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए डाटा को महफूज करना। तो अभी तक जो सबसे पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT 2000, लिनक्स और यूनिक्स है। ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी नेटवर्किंग एक्टिविटी को मैनेज करते हैं। के बाद है अदर शेयर्ड डिवाइसेस। दोस्तों पीछे हमने देखा था कि एक कंपनी में 2000 लोग थे और उन तमाम लोगों को प्रिंटर इस्तेमाल करना था, तो कंपनी तमाम लोगों के लिए अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदती, बल्कि एक बड़े सिस्टम में या फिर एक सर्वर पर वो प्रिंटर रख देती है।
क्योंकि सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर तमाम डेटा मौजूद होता है और लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम सर्वर पर प्रिंटर, स्कैनर या फिर अपने सर्वर की स्टोरेज को इतना ज्यादा कर देंगे तो यूजर्स उस सर्वर पर मौजूद उन डिवाइसेस को भी शेयर कर सकता है, वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पहले आपको इन तमाम डिवाइसेस को नेटवर्क पर ऐड करवाना होगा, यानी सर्वर पर डालना होगा, तभी जाकर यूजर उन डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस को शेयर्ड डिवाइसेस कहा जाता है, जो कि नेटवर्क का ही हिस्सा होती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। अगले लेक्चर में हम अलग अलग नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे।